जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करंट है भाई सपने का, आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान और सम्मान से होता है। अगर अपनी तरफ देखूं तो कुछ नहीं पल्ले, परमात्मा की रहमत और राय बरेली के प्यार को देखूं तो सिर्फ की पल्ले पल्ले। सम्मान योग मंच जो बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, ये हर इंसान मेरी पगड़ी के समान है, 2.5 फुट ऊंचा पगड़ी से। मैं छुप के आप सबके प्रेम का धन्यवाद करता हूं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। अरे मैं आप पीती कहता हूं, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता। सही कहा, 100 भेड़ों के आगे शेर लगा दो तो भेड़े शेर हो जाती है, लेकिन मैं तो शेरों के आगे कबूतर शेर बनाने आया हूं। बिल्कुल सही कहा, और जोश देख के मुझे लगता कि लग गया छक्का। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। जोश चक्कर लगाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, लगाएगा। ये जीव की धरोहर इसी में, मैं सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूं अपने आप को, क्योंकि मेरे लिए ये पुण्य स्थली से कम नहीं है। जैसे नर्मदा में बैठा हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आज रायबरेली में आके महसूस कर रहा है। और उसका कारण है, मैं हिंदुस्तान की कांग्रेस की जड़ को सींचने आया हूं, मैं अस्तित्व को सींचने आया हूं, मैं अपनी पहचान के लिए आया हूं। नाम भी खोलोगे तो जब जाओगे और पहचान खोलोगे लल्ला तो फिर यहां से आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और सोनिया गांधी जी का कोई तोल नहीं, कोई नहीं। पारस जिसे छूता है उसमें गौरव का संचार कर देता है, चीज धूमिल हो उसे उज्ज्वल कर देता है, और जिसका कोई मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। 10 साल सोनिया जी के, 10 साल सोनिया जी के, और 5 साल इनके खटुओं के यहां पे जब ताकत थी। आप तराजू में कौन दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी, चंपा के 10 फूल चमेली किए, कली मूरा किसानी का चतुर किए, कली ठोको ताली ठोको ठोको कली ठोको। आप दुनिया में क्या बोलो, अरे और मैं है भाई, यू हैव टू विजन, एक विजन चाहिए, एक सोच चाहिए। सोनिया जी कठिन परिस्थितियों में इस पार्टी को संभाल पाए, किरदार दर्शा के इस पार्टी को संभाल पाए। लोहा करता है सुनो भैया, मजा आएगा पानी अपने आप छोड़े। लोहा करता है बिगड़ता है सुलगता है, फिर जाकर दो भारी तलवार बनता है। और सोना खा के सुनियार की मार पिछो किसी हीर के गले का हार बनता है। और लाख आधियां झक्खड़ तूफान झेल के कोई सोनिया जी जैसा किरदार बनता है। किरदार जब मुसीबत थी, जब क्या बलिदान हुआ, जैसे पीठ मिट्टी में गल के अनेकों को जन्म देता है। जब राजीव जी का निधन हुआ तो किस तरह से इस पार्टी को संभाला, किस तरह से सर्वस्व निछावर करके सरदार मनमोहन सिंह जी जैसे काबिल इंसान को प्रधानमंत्री बनाया, अपने बेटे को पीछे रखा। बाबा नानक की फिलोसफी 13
किया तेरा किया, सब पार्टी के नाम न्यौछावर कर दिया। अरे मेरे भैया, शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति भी नहीं बनती, लोहा भी चोट खा के ही शेप लेता है, पत्थर भी घिस घिस के सालिग्राम बनता है, सुरखुरु होता है इंसान, आफतें आने के बाद रंग लाती है ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये सोनिया जी थी जिन्होंने संभाला इस पार्टी को 10 साल, खुद पीछे नहीं और काबिल लोगों को आगे लाई, देश तरक्की की कगार पे आकर खड़ा हुआ, सूर्य से लेके अंतरिक्ष यान तक 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया। और इन लोगों ने क्या बनाया, चौकीदार होगी चो
जापान चले गए, जापान बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी कहते थे पाल नरेंद्र जा पान ले, ठोको ठोको, ये प्रधानमंत्री है क्या? 364 वचन दिए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम्हारा मैनिफेस्टो उठा के देखो, 364 संकल्प लिए थे तुमने और उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। झूठे नंबर वन हो तुम, भीड़ की तरह रंग बदलते हो तुम, भीड़ की आराधना करो, क्योंकि एक भी चीज पूरी नहीं हुई। अरे काहे का तू चौकीदार है, मतलब देश में हाहाकार है, जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का मोदी अभी तक इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार है भाइयो, 90 लाख करोड़ लाऊंगा, सबको जेल में भिजवाऊंगा, और 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में डलवाऊंगा। वाह रे वाह मोदी साहब, वाह रे वाह। रामायण में लिखा हुआ आता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन निभाए हैं, और एक हमारे राहुल भाई हैं जिन्होंने कहा था 3 स्टेट जीते एक साल पहले, 3 स्टेट प्रेसिडेंट बने, 3 स्टेट जीते, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहा 10 दिन में सब किसानों का कर्जा माफ होगा, 10 दिन। जिस दिन सरकार बनी 2 घंटे में कर्जा माफ हुआ मेरे भाई, 2 घंटे में। यह होता है सवान का पक्का। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, और वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया। क्या किया है तुमने? रोको रोको अभी मत ठोको, ठोकूंगा मैं, परवाह मत करो, परवाह मत करो। कभी चौकीदार किसी गरीब की कुटिया के बाहर खड़ा देखा है तुमने? किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है तुमने बेटा? किसी गरीब झोपड़पट्टी में तुमने चौकीदार देखा? चौकीदार अंबानी की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, और वहां किसी किसान गरीब मजदूर का जाना वर्जित है। ठोको पहले, बात सही है। तो चौकीदार सिर्फ 1% लोगों के हो, सिर्फ 1% लोगों के, और 99% लोगों का तुमने हनन किया है नरेंद्र भाई मोदी। किसान 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है तो तुम उससे ब्लैंक चेक लेते हो, खाली चेक, और वो खाली चेक इसलिए लेते हो कि अगर वो 2000 रुपए भी 2 लाख में से ना दे तो तुम उसका नाम को अपने बैंक के बाहर छिपवाते हो, तुम उसकी मुनियादी करवाते हो, तुम उसे जेल में छुपवाते हो। तो बताओ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये पक्षपात क्यों? अडानी ने 1 लाख करोड़ रुपया नहीं दिया इस देश का, तुम उसके इतिहास में घूमते हो, और अंबानी 46,000 करोड़ रुपए का देनदार है। क्यों? ये दोनों गाना गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ये सच्चाई है नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हारी। राहुल भैया तुम्हें चुनौती देते कि तुमने 30,000 करोड़ रुपए इसी अंबानी को राजस्थान के घपले में खिलाए, खाया भी और खिलाया। तुम फ्रांस खुद गए, वो डील करवा के आए, सरकार को नजरअंदाज करके, उनके नेगोशिएटर्स को नजरअंदाज करके सीधा MOU, अंबानी की 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी का शेयर 10 रुपए का 1100 में खरीदा फ्रांस ने। तुम बहस करो मेरे भाई के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में, अपने घर को ला लो राहुल भाई को, यदि राहुल भाई हार गए तो मैं राजनीति सभा के लिए छोड़ूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है दम तुम में नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें, तुम आए थे 2014 में गंगा के लाल बन के, और मोदी तुम जाते 2019 में राफेल के तलाक बन के। तुमने मार डाली कंपनियां, तुमने सरकार, तुम राष्ट्रवाद की बात करते हो। अरे राष्ट्रवाद सीखना है तो सोनिया जी से सीखो, सोनिया जी से सीखो राष्ट्रवाद।
आज के राष्ट्रवाद की बात करें तो पूंजीपतियों के हाथ बिक चुके होते हैं, रबड़ का गुड्डा बन गए, चाबी वो घुमाते हैं, नीति हिंदुस्तान की वो बनाते हैं, तालीम का शोर इतना नरेंद्र दास और दास मोदी, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। सोनिया जी के प्रोजेक्ट समय रोक दिए तुमने, 10 साल में उन्होंने 100 साल का विकास किया। राहुल भाई जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3 स्टेट जीतने के बाद, तो राहुल भाई ने पहली बात की कि चाहे बीजेपी इन 3 स्टेट्स में हार गई है, लेकिन इनके चीफ मिनिस्टर्स ने कुछ अच्छे काम किए हैं, मैं उन अच्छे कामों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस तकलीफ को मिटाऊंगा नहीं, जहां वो अच्छे काम छोड़ के गए हैं हम उन्हें आगे बढ़ाओ। तो तुम बताओ मोदी, सोनिया जी इस हल्के के लिए एम्स बनाया 900 का, लेकिन तुमने उसको 600 का कर दिया और फिर आज तक चलने नहीं दिया, डॉक्टर तुमने नहीं भेजे, तुमने रंग में भंग डाला, कड़ी में कोहरा डाला और तुमने वो कामों में विघ्न डाला, बाधा डाली। क्या ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है? विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये सोनिया जी है जिन्होंने कहा कि यहां महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनेगा, 5 साल में 2 बन जाते मोदी, लेकिन तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहना कुछ और करना कुछ। और कहो कि 25,000 बेटियां छत्तीसगढ़ में तुम्हारे राज्य में बंबई की मंडियों में नहीं बिकी, कहो कि मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 नहीं था तुम्हारे 15 सालों में, हजारों लड़कियां बेघर नहीं हुई। अरे मोदी तुमने बेटियों को मार डाला, तुमने किसान को बर्बाद कर डाला, अरे बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और नरेंद्र मोदी किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे? ये भी समझा दो। ये सोनिया जी का वो है कि 33% रिजर्वेशन हो, और उनके निर्देश पे मैं पंजाब में गर्व से कह सकता हूं कि हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दे दिया है, म्यूनिसिपल कमेटियों में भी दे दिया, उन्हीं के निर्देश से दिया। तो तुम किस राष्ट्रभक्ति की बात करते हो? BSNL इस देश की टेलीफोन कंपनी नंबर 1, सियाचिन में फौजियों के पास BSNL, तुमने आज तक BSNL 5,50,000 करोड़ की कंपनी को 4G नहीं दिया, और तुम 4G की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जियो धन धनाधन जियो धन धनाधन जियो धन धनाधन। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? ये राष्ट्रभक्ति है? रात को नोटबंदी अनाउंस करते हो तो मेरे पेटीएम के साथ फोटो खिंचवाते हो, वाह मोदी वाह, पेटीएम के साथ हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है ये नोटबंदी हो रही है और पेटीएम वाले 5-5 लाख की एड दे रहे हैं सुमड़ी में कुमड़ी, ये अंदर की बात है। 400% डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी मोदी तुमने, 300% ड्यूटी तुमने पेट्रोल पे लगा दी, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया। ये तो ऐसा ही हुआ कि पायजामे की कीमत 37 रुपए का तेल है दुनिया में और 47 रुपए टैक्स है, ये तो वैसा ही हो गया कि पायजामे की कीमत 200 है और उसे बांधने वाले की कीमत 1200 है। ठोको ताली ठोको ठोको ताली ठोको। पेट्रोल डीजल सब बेच दिया तुमने रिलायंस के पंपों को जब सरदार मनमोहन सिंह थे, $150 तेल के कच्चे तेल की कीमत थी अंतरराष्ट्रीय, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह ने तेल 80 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया, तुम आए $40 की कीमत हो गई कच्चे तेल की, जो पंप बंद हो गए थे रिलायंस के और SR के तुमने वो खड़े करवा दिया, और 4 गुना फायदा तुमने किसान को नहीं दिया, आम आदमी को नहीं दिया। तुम बांट रहे हो इस देश को, तुम बांट रहे हो इस देश को मंदिर और मस्जिद के नाम पे, और मैं तुम्हें कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि नहीं बांट पाओगे तुम बापू गांधी के इस देश को, अंबेडकर साहब के इस देश को, चाचा नेहरू के इस देश को, और मैं डंके की चोट पे तुम्हें कहता हूं ना मंदिर की बात हो
नमस्कार की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवानों की बात हो, पहले रोटी की बात हो, किसान की तोड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, नहीं जून तक नहीं रहेंगी तुम्हारे हंसते हुए नूरानी चेहरे। दिखा ना पेट्रोल पंप के बाहर हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली चुन के रंग चुने ठोको काली ठोको बंदा डीजल पर दलवाता से खुद ही खुद समझ आ जाता हो क्या ना राम मिला दोस्तों, ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला तो पता नहीं। यह हकीकत है इस देश की नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। राहुल भाई बहुत बड़ा है, उससे तो मैं तारा देता हूं, तुम मेरे साथ ही आके होगो दो हाँ, तुम्हारे घर में आ जाता हूं, तुम्हारे सामने बैठ के आ जाता हूं, और यदि सिट्टी पिट्टी गोल रहा तो सिद्धू मेरा नाम नहीं। इन बातों का जवाब तो देंगे देखो, अरे ओएनजीसी के पास 1,07,000 करोड़ रुपया था, तुम आए आज ओएनजीसी के पास सिर्फ 294 करोड़ रुपया, मरी हुई कंपनियां तुमने खरीदवाई। फेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 8,000 करोड़ के फायदे में 2014 में, तुम 2016 तक आए 9,000 करोड़ के खाते में। तुम बांग्लादेश जाते हो अंबानी अडानी को लेके, विदेशों में प्रेस को नहीं लेके जाते, अब तो प्रेस से बात होती ही नहीं, तो मन की बात अंबानी और ठोको ठोको ही प्रेस वाले भी है, आप ही ठोको प्रेस से कभी बात नहीं होती। तुम लेके गए झारखंड में प्लांट लगाया और अंबानी अडानी को लेके गए एनटीपीसी टेंडर लगा के, टेंडर लगा के 3 रुपए में बिजली बेच रही है, और बगैर टेंडर के बगैर कंपटीशन के तुमने अडानी को और अंबानी को 5 रुपए 80 पैसे में बांग्लादेश में कॉन्ट्रैक्ट करवाया, झारखंड को 7,000 करोड़ का खाता है। ये तुम्हारी देशभक्ति है, हम चाहते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने। किसान जहां इसका हंसता हुआ नूरानी चेहरा, उसके नीचे किसान खड़ा होकर विनती कर रहा हूं, मैंने कहा भैया क्या कह रहे हो, कह रहे हैं यहां लिखा हुआ अब की बार मोदी सरकार, मैं कहा तुम क्या कह रहे हो, कह रहा जी मैं कह रहा हूं, जब ये कहता है ना अब की बार, मैं कहता हूं बस कर यार, ठोको ठोको जोर से बोलना जरा, मैं बोलूंगा अब की बार, तुम कह रहा बस कर यार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अरे वाह लग गया छक्का, अरे मैं जब जवान था तभी भी जवान तो छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार, राय बरेली वालों तुम मुझसे ज्यादा तकड़े हो, ऐसा छक्का मारोगे कि मोदी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की बाउंड्री के पार, तो वो तारीख हो। लेकिन एक बात याद रखना, यहीं से संखलार होगा, यहीं से जड़ तकड़ी होगी, यहीं से ताकत मिलेगी मेरे भाई, और यहीं से इस पूरे देश में नहीं विश्व में ये कांग्रेस का हाथ तमाचा बनके इनके झूठे चेहरों पे गूंजेगा, और उसकी गूंज पूरे विश्व में जाएगी मेरे भैया। तो तुम्हें बता रहा हूं कि 3 लाख से जिताओगे तो क्रिकेट की भाषा में दुक्का 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 इधर से दुक्का दुक्का दुक्का, और अगर 4 लाख से जिताए तो फिर मौके पे चौका फिर चौका, और अगर कहीं सोनिया जी 5 लाख बिजली लग गया छक्का, तारीफ होगा अरे वाह बच्चे बूढ़े और जवान, अरे काका तेरे को भी ठोकू से, आयु थोड़ी बड़ी है, आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी रुद्राक्ष में आ गया, आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी वही है, अरे नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आज भी वही है, वही दमखम वही दमखम वही चमचम
मन ठाठ वही है। अरे तलवार पुरानी है पर धार और काटार भी वही है। बैटरी चार्ज है भैया, ये ठोकेगा? मैं चाहे रोक भी लूं तो ठोकेगा तू? मैं समझ गया हूं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तीन मोदी भाग गए और चौथा बोल रहा झूठ। रोको ठोको मत, रोको गर्म मत ठोको, बोल तो बात सही कहता हूं ना, गलत बिल्कुल नहीं बोल। और इन आंकड़ों में कभी मोदी जी का खंडन नहीं आया। मैं चार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं और चार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोतड़े खोलता हूं, पोतड़े खोलता हूं, लेकिन कोई एक भी खंडन नहीं आया। अब मैं तुम्हें एक बात बड़े प्यार से समझा रहा हूं कि चाहे ये विश्वविद्यालय हो महिलाओं का, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे व्हील कोच फैक्ट्री हो, चाहे रिसर्च सेंटर हो, ये जो सोनिया जी ने अनाउंसमेंट की है, हाँ जी, चाहे तुम्हारे पास पहले एक नेशनल हाईवे होता था, आज पांच पांच नेशनल हाईवे है। सोनिया जी के पहले ये नहीं पता लगता था ओ साइड के ऊपर यूपी में कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क, कोई लुगाई को लेके जा रहा हो तो पीछे देखता रहता था, रह गई कि ढह गई, समझे? पांच पांच नेशनल हाईवे तुम्हारे पास है। ये लड़ाई विश्वास और धोखेबाजी की है। और ये जो बबुआ गया है, दिनेश बबुआ, क्या नाम है इसका? हाँ दिनेश, याद रखना कि ये भी मोदी से कम नहीं है। अगर मोदी अडवाणी जी का नहीं हो सका तो देश का क्या होगा? और दिनेश अगर तू सोनिया जी का ना हो सका तो रायबरेली का क्या? हाँ क्या हुआ तू? अरे पीठ में छुरा भोंकने वाला है तू, एहसान फरामोश है तू। हाँ ठोको आज इसके पंपड़ी का होता हूं। हाँ ओ बबुआ दिनेश सुन, शास्त्र कहते हैं, इसे तू नहीं कहता, शास्त्र कहता है बड़े से बड़ा गुनाह भी हो जाए, ब्रह्म हत्या भी हो जाए, भगवान के दरबार में माफी मिलेगी, लेकिन शास्त्र उसके नीचे लिखता है कि यदि इंसान एहसान फरामोश हो जाए तो उसका बोझ पृथ्वी भी उठाती नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं, मैं जानता हूं कि ये सब जो सोनिया जी ने कहा ये इलेक्शन एक एमपी का इलेक्शन नहीं है, ये मत समझना कि ये सिर्फ एक एमपी का इलेक्शन है। मेरे भाई हमें सम्मान है मायावती जी का, हमें सम्मान है यादव साहब का भी, लेकिन ये इलेक्शन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का इलेक्शन है। और तुम सौभाग्यशाली हो, भगवान मुस्कुरा रहा है, तुम फॉर्चून इज स्माइलिंग एट यू, वो आप पे मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुम यहां एमपी नहीं चुनने जा रहे। जिस दिन तुमने यहां एमपी चुन दिया और कांग्रेस सेंटर में जीती करी जुड़ गई तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऑफिस रायबरेली में खुलेगा। मेरे भाई हाँ
कल पगलू फसा शिकंजे में और मोहर लगेगी पंजे में, ठोको भैया महिला जी की ठोको। हो गया महिला सशक्तिकरण, सब एक हो इकट्ठे हो जाना मेरे भैया। ये पांचों उंगलियां कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती है, जब इकट्ठा हो जाती है तो भूसा बन के सामने बत्ती सी निकाल देती। नरेंद्र मोदी कच्चे रूठ हो गए भैया, खा गए तुम। नरेंद्र मोदी तुम मुद्दों से भाग रहे हो, तुम इन भगौड़ों के साथ खुद भगौड़े हो गए हो। अब तुम नोटबंदी की बात नहीं करते, अब तुम जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स की बात नहीं करते, अब तुम 15 लाख रुपए की बात नहीं करते, 690 लाख करोड़ रुपया जो बाहर, 6000 की लिस्ट थी, 90 लाख करोड़ जो बाहर है उनको बुलवाने की बात नहीं करते। अब तो तुम डिफ्लेक्ट कर रहे हो, मुद्दों से भाग रहे हो। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है। ठोको ठोको ताली ठोको, अब फौज के कंगन से सियासी तीर चला रहे हो भैया, भाग रहे हो, भाग भाग मोदी भाग के देश की जनता आती है कुर्सी खाली कर। ये तुम्हारी कीबोर्ड वॉरियर्स की आर्मी जो 55 अकाउंट से 78,000 ट्वीट मारती है, ये नहीं लड़ेंगे लड़ाई, लड़ाई जनता के दरबार में होगी और दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। सिद्धू भी आया, सिद्धू भी आया, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कसा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। अफाक नशीनो उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछा देंगे। दूध को भट्टी में रखो तो दूध का उबलना निश्चित, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित। तुमने जीएसटी लगाई, 5 लाख लोग सूरत में, 4 लाख लोग बड़ौदा में, तुम्हारी ताई ताई फिस हो गई, चाय फटने लगी है, जनता किसी और से पटने लगी है, इसीलिए तो जीएसटी घटने लगी। नोटबंदी पे इलेक्शन नहीं लड़ाया तुम, क्योंकि तुमने काला धन हिंदुस्तान का गुलाबी कर दिया। हमने तो काल गुलाबी समझे थे, तुमने नोट गुलाबी। मशरूम नहीं, मैं बताता हूं, पोतले मैं खोलूंगा बेटा, देख। इस देश का 500 रुपए कमाने वाला, चाय वाले की दुकान पे काम करने वाला क्या चोर है मोदी? इस देश की गृहिणी को 5,000 रुपए अपने घर वाले से छुप के कहीं बचा कर रखती है वो चोर है मोदी? इस देश का किसान जो 2-3 दिन सीढ़ी रखता है वो चोर है मोदी? तुमने इन सब के पैसे बैंकों में जमा करके 17 लाख करोड़ रुपए की चोरी को छुपाया। और अमित शाह साहब, अमित शाह साहब ये सिद्धू तुम्हें ललकार के कहता कि तुमने इस देश के काले धन को गुलामी करके अहमदाबाद के बैंक में जहां तुम डायरेक्टर हो 750 करोड़ जमा करवाए, नहीं जवाब तो इस बात का। राजकोट में गुजरात के तुम्हारे मंत्री जयंती भाई, उन्होंने 600 करोड़ जमा कराया कि नहीं? गोपीनाथ मुंडे की बेटी मैडम मुंडे, 700 करोड़ उन्होंने जमा कराया कि नहीं? तुमने 22,500 करोड़ काला धन गुलामी करके बैंकों में छुपाया कि नहीं? और 5 दिन में यदि कोऑपरेटिव बैंक में 5 दिन में 750 करोड़ जमा हुआ है तो उसके लिए 1 घंटे में 12,000 लोगों को 2.5 लाख जमा कराना। अरे भाई, 1 घंटे में 12,000 लोग अगर कतार में खड़े होते और जमा कराते तो 1 घंटे में तो 5 दिन में 750 करोड़ जमा होता। और मैं तुम्हें टंके की चोट पे कहता हूं अमित शाह साहब कि अगर 12 लोग जमा करा देना 2.5 लाख 1 घंटे में कोऑपरेटिव बैंक में, तेरी टांगों से निकल जाऊंगा। चोर हो तुम, डाकू हो तुम, तुमने इस देश को लूट के अंबानियों और अदानियों के हाथ में भेज दिया है। इसलिए मैं जो बात करके जा रहा हूं वो पक्की है। अरे पहले चाचा नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, इन्होंने देश आजाद करवाया था
कोई अंग्रेजों से, हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से है, काले अंग्रेजों से हमें इस देश को आजाद करवाना है। और ये बात पक्की है, मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। ठोको ठोको ताली ठोको है, ये तो भक्तों ने खोज के निकाला है, नहीं तो देश तो था ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल था नहीं। अरे मोदी, जिस दिन तुम पैदा नहीं हुए थे, अंबेडकर साहब ने इस देश का संविधान बना। जब तुम लल्ला बन के मां की गोद में झूल रहे थे, तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। अरे जब तुम घुटनों के बल चलना नहीं सीखे थे, तो IIT IIM बन गए थे। जब गुजरात में दंगे हो गए थे, तो भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। और जब तुम स्कूल को पढ़ने के लिए निकले थे मोदी जी, तब इंदिरा जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाके भारत को समृद्ध राज्य बना दिया था। और जब तुम RSS में डंडे चलाने सीख रहे थे ना शाखा में, तब हमने 3 जंगें जीत ली थी हिंदुस्तान। तुम बात करते हो, अरे अगर कांग्रेस पे विश्वास था, तभी 70 साल कांग्रेस इस देश की सेवा में रही है, और तुमने क्या दिया है ये भी तो बता दो मैं तुम्हें। और एक बात बताता हूं, मोदी जी की देखो करामा देखो, अरे पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, ये यू इधर नीचे, पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है, खाता खुलाया जा रहा है, पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, और जेब खाली है, खाता खुलाया जा रहा है। अरे खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। वाह रे वाह मोदी वाह, सब कंपनियां विदेशी है, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है।